Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our 14th lesson is compound interest. इस लेसन का प्रैक्टिस सेट 14.1 हमने कंप्लीट किया था. आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 14.2. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वेर 320 वर्कर्स इंस्टेंटली. यहाँ पे क्या दिया है कि एक कंस्ट्रक्शन है का काम चल रहा है. कौन सा काम? ब्रिज का, फ्लाईओवर बनाने का. तो वहाँ पे 320 वर्कर्स ने काम किया. ओके, द नंबर ऑफ वर्कर्स वेयर इंक्रीज बाय 25%. अगर 25% से वर्कर इंक्रीज हुए, बड़े, ओके, ज़्यादा वर्कर्स बढ़ गए एवरी ईयर, ओके, हर साल कितने बढ़ रहे हैं? 25%. फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स. तो ऐसे फ्लाईओवर बनाने के लिए 2 साल के बाद कितने वर्कर्स लगने वाले हैं, तो ये हमें फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा? यहाँ पे प्रिंसिपल होगा 320, रेट क्या होगा? 25%, एंड एन होगा 2 ईयर्स. ओके, सो इसे हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या लिखते हैं, ईयर क्या क्या दिया है इन्फॉर्मेशन वो लिखेंगे. हियर पी कितना दिया है? पी इज इक्वल टू 320. ओके, फिर रेट यानी आर कितना दिया है? 25%, एंड एन दिया है 2 ईयर्स. ओके, 2 ईयर्स. तो फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का? अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 + R/100 द होल ब्रैकेट n. ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला है. अभी हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में जो हमारी कीमत है, ओके, यहाँ पे जितने भी दिए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट हम ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे लिखते हैं वेयर ए इज इक्वल टू, जो हमारी अमाउंट है, मतलब हमें क्या निकालना है, अमाउंट मतलब क्या निकालना है, नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स. तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स, ये हमें निकालना है. ओके, ये हमारी अमाउंट है, तो हम अमाउंट में अभी कीमत डालते हैं. ए यानी अमाउंट इज इक्वल टू पी कितना है? 320 + 1 + R कितना है? 25, और अपॉन 100. एन कितना है? 2. एन दिया है 2 ईयर्स. ओके, अभी इसे हम सॉल्व करेंगे. देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर कट हो रहा है तो इसे हम कट करते हैं. 25 × 1 = 25 एंड 25 × 4 = 100. ओके, सो यहाँ पे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे क्या बचा है? 320, और फिर यहाँ पे 1 + यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 ही है. ओके, प्लस यहाँ पे 1/4. ओके, कुछ भी नहीं है तो 1, और यहाँ पे द होल स्क्वायर. ओके, फिर यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू 4 × 1 = 4, हम यहाँ पे करेंगे 4 × 1 = 4 और प्लस 1, तो ये कितना होगा? 320 और 4 × 1 = 4 और ये 5. ओके, ऐसे करते हैं ना हम, 4 × 1 = 4 प्लस 1 कितने हो गए? 5, और अपॉन में डिनोमिनेटर वैसे के वैसे, और द होल स्क्वायर. अभी यहाँ पे ये स्क्वायर है 5/4 का, मतलब 5/4 हम कितने टाइम लिखेंगे? 2 टाइम. ओके, तो ए इज इक्वल टू 320 × 5/4 × 5/4. ओके, अभी इसे डिवाइड करते हैं. देखिए यहाँ पे 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, तो यहाँ पे ऊपर बचे 80. ओके, ये जीरो कट किया तो 80 हुए.
फिर हम फोर से करते हैं, यहाँ पे 80 है तो 4 1 4, 4 2 8, ओके। तो यहाँ पे कितने बचे, 20, 0 को कट किया तो 20 बचे, और यहाँ पे 5 5, ओके। सो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, a इज इक्वल टू ये बचे है 20 मल्टीप्लाई 5 5 25, ओके। सो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 25 0 25 एंड 25 2 50, ओके। सो आंसर कितना आया, 500, ओके। तो ए हमारा निकला 500। तो हमें सिर्फ वर्कर्स निकालने के लिए कहा है, ओके। तो हमारा यही आंसर है, तो 500 वर्कर्स, बस यही आंसर हमें निकालना है। एंडिंग में ये वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ, फाइंड करने के लिए कहा था ना, तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में लिखेंगे द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years विल बी कितने हैं, 500, ओके। सो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, अ शेफर्ड हैज 200 शीप विथ हिम। शेफर्ड यानी जो शीप पालता है, भेड़ बकरियां पालता है वो शेफर्ड, ओके। उसके पास कितने शीप्स थे, 200। फाइंड द नंबर ऑफ शीप्स विथ हिम आफ्टर 3 years इफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शीप्स इज 8% एवरी ईयर। उसके पास 200 शीप्स थे लेकिन हर साल कितने 8% बढ़ते हैं, ओके। तो ऐसे 3 साल में, 3 साल में कितने बढ़ेंगे, कितने इंक्रीज होंगे, ये हमें निकालना है, ओके। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए है वो हम लिखते हैं हियर, यहाँ पे पी, पी क्या होगा, पी होगा 200, ओके। प्रिंसिपल होगा 200, फिर आर है 8% एंड एन है 3 years, तो यहाँ पे 3 years, ओके। ये इंफॉर्मेशन लेके हमें सिर्फ यहाँ पे फिलअप करनी है। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r अपॉन 100 द होल स्क्वायर n, ओके। तो यहाँ पे हमें a क्या दिया है, नंबर ऑफ शिप्स, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हियर a इज इक्वल टू क्या दिया है, नंबर्स ऑफ शिप आफ्टर 3 years, ओके। यहाँ पे हम फॉर्मूले में कीमत डालते हैं, a इज इक्वल टू p कितना है, 200 है, 1 + r कितना है, r है 8 upon 100, और ये कितना है 3, ओके। इसे हमें सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे कट रहा है तो काटते हैं, यहाँ पे 2 से हम काटेंगे, ओके। 2 4 8 एंड 2 5 10, ओके। तो यहाँ पे 50 बचेंगे और यहाँ पे ऊपर 4, ओके। फिर ये 2 से कटेगा, 2 2 4 एंड 2 25 50, ओके। तो यहाँ पे कितने बचे, ऊपर 2 और यहाँ पे 25, ओके। तो हम यहाँ पे लिखते क्या बचाओ, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 1 + 2 upon 25 और ये 3, ओके। सो इस तरीके से आएगा, यहाँ पे हम इसे अभी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू 200, 25 1 25 और +2 करेंगे तो कितना होगा, 27 upon 25 और यहाँ पे क्यूब, ओके। यहाँ पे अभी ये क्यूब है, इसका मतलब 27 upon 25 ये हम कितने टाइम लिखेंगे, 3 टाइम। तो a इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 25
मल्टीप्लाई 27 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 25। अब यहाँ पे देखिए 25 वन ज़ा 25 एंड 25 एट ज़ा 200। ओके सो यहाँ पे ये 200 कट गए, यहाँ पे 25। अभी यहाँ पे कोई कट हो सकता है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना होगा, रफ वर्क में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 27 और 27 का। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं रफ वर्क में यहाँ पे इस तरीके से। मैं चलो रफ वर्क जो है मैं रेड पेन से दिखाती हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, ओके नंबर पहचानने में। तो हम 27 और 27 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 7 7 जा 49, सो यहाँ पे 9 और 4 कैरी होगा। ओके 7 2 जा 14, 14 और 4 कितने हुए 18। ओके फिर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, यहाँ पे 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 कितना हुआ 5। ओके इनका प्लस करेंगे 9, ये कितने हुए 12 और 1 कैरी होगा 5 6 और 7। तो आंसर कितना मिला हमें 729, ये हमारा फर्स्ट आंसर निकला। अभी हमें और 27 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये जो आंसर आया है इसे 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। 729 मल्टीप्लाई 27, ओके अभी इसे मल्टीप्लाई करते हैं 27 से। यहाँ पे हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा कितने होते हैं 63, तो यहाँ पे 3 और 6 कैरी होगा। फिर 7 2 जा 14, 14 और 6 ये होते हैं 20, तो यहाँ पे 0 और 2 कैरी होगा। यहाँ पे 7 7 जा 49 और 2 कितने हुए 51। ओके फिर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 8 और 1 यहाँ पे कैरी होगा। फिर 7 2 जा 14, 14 और 1 कितने हुए 15, फिर यहाँ पे 1 कैरी, फिर 7 2 जा 14 और 1 15। सर यहाँ पे कैरी नहीं होगा, 2 2 जा 4 एंड 1 5 यहाँ पे कैरी नहीं है, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 14। ओके इनका प्लस करना है, चलिए इसका प्लस करते हैं कितना आएगा, ये 3 8 6 9 एंड 1, आंसर कितना मिला 19683, तो ये हमारा सेकेंड आंसर निकला। ओके तो अभी ये तीनों मल्टीप्लाई हमने किए तो हमें आंसर कितना मिला ये। ओके अभी फिर से हमें ये जो नंबर आया है इसे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो नंबर कौन सा आया है 19683। ओके इसे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है देखते हैं, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 4 2 कैरी, 8 8 जा 64 और ये 2 66, तो यहाँ पे 6 और 6 कैरी। फिर यहाँ पे 8 6 जा 48 प्लस 6 कितने होंगे यहाँ पे 54। ओके तो यहाँ पे 4 और 5 यहाँ पे कैरी। ओके फिर 8 9 जा 72, 72 प्लस 5 कितने होते हैं 77, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 कैरी होगा। ओके 8 8 8 1 जा 8 और 7 कितने हुए 15। ओके तो आंसर कितना मिला यहाँ पे 1,57,464, ये हमारा पूरा टोटल आया किसका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू इन सब का मल्टीप्लाई किया। ओके तो आंसर कितना मिला 1,57,464। ओके और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है फिर से 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो
यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 25 है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एक 25 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये रफ वर्क के लिए जगह छोड़ते हैं। ओके, और यहाँ पे ये थर्ड, और यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 1,57,464 को किससे करेंगे, 25 से। तो यहाँ पे 25, अगर ये तीन नंबर लेने पड़ेंगे हमें, 25 सिक्सा कितने होते हैं 150। ओके, फिर यहाँ पे बचेंगे कितने, 7, ऊपर से लिया 4, भी यहाँ पे 74, तो 25 टू ज़ा 50। ओके, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, और फिर ऊपर से लेंगे 6। ओके, अभी यहाँ पे 25 नाइन ज़ा 225। फिर यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेंगे 2, और ऊपर से क्या लेंगे, 4। ओके, अभी यहाँ पे 214 आया है, तो 25 एट ज़ा 200, तो यहाँ पे 4 और 1। अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा है, 14 बचा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ओके, तो फिर 140, तो फिर से हम क्या करेंगे, 25 फाइव ज़ा 125, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेंगे और यहाँ पे 1। ओके, यहाँ पे कैरी लेंगे ना, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 15, यहाँ पे फिर 0 लेंगे, और 25 6 ज़ा 150। तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0। ओके, तो आंसर क्या आया हमारा, 6,298.56। अभी ये जो नंबर आया है, इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें फिर से डिवाइड करना है, किससे, 25 से, क्योंकि इसी 25 से हमने डिवाइड किया, और 25 यहाँ पे बाकी है। ओके, तो मैं यहाँ पे जगह बना रही हूँ, चलिए इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं, रफ वर्क है और ये करना ही पड़ेगा ताकि ये पूरा आपको समझ में आए। ओके, यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, मैं यहाँ पे करती हूँ ऐसे, कितना है, 6,298.56, इसे हमें 25 से डिवाइड करना है। अभी इसका डिवाइड करते हैं, 25 टू ज़ा, दो ही नंबर लेते हैं 62 को, तो 25 टू ज़ा 50, तो यहाँ पे 2 बचेंगे और यहाँ पे बचेगा 1, फिर ऊपर से लेंगे 9, 25 फाइव ज़ा 125, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 4। ओके, ऊपर से लेंगे 8, 48 हो गए, तो फिर 25 वन ज़ा 25, यहाँ पे 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 बचेंगे, और यहाँ पे 2। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट है। ओके, तो हमें यहाँ पे पॉइंट देना होगा, ऑलरेडी पॉइंट है, तो यहाँ पे हम ये जो 5 है वो यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 235 है, तो फिर हम 25 नाइन ज़ा कितने आएंगे, 225। ओके, यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे बचेगा 1, फिर ऊपर से लेंगे 6, तो फिर 25 फोर ज़ा 100। ओके, फिर यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 6। ओके, फिर यहाँ पे हम 0 लेंगे, तो मैं ये जो आधा बचा है यहाँ पे करने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पे करते हैं हम,
ओके तो ये कितने बच्चे हैं, सिक्स बच्चे हैं, 60 हो गए। ओके यहाँ पे 60 हुए तो फिर हम फिर से यहाँ पे 25 टू जा कितने करेंगे 50, तो यहाँ पे 0 और ये 5 में से यहाँ पे कितना बचेगा 1। ओके तो फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो 100 बचेंगे। ओके 100 हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पे 25 फोर ज़ा ही करना होगा, तो 25 फोर ज़ा 100। ओके तो यहाँ पे आंसर कितना मिला, यहाँ पे देखिए फाइनल आंसर मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ फाइनल आंसर हमारा है 25 1.9424। ओके ये तो यहाँ पे हमें क्या क्या करने के बाद, पहले तो हमने 25 से इस नंबर को 25 से डिवाइड किया तो हमें ये नंबर मिला। ओके ये नंबर मिला और इस नंबर को फिर से 25 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, ये नंबर मिला। ओके तो आंसर क्या मिला, 251.9424। ओके देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि हमें 3 साल के बाद शिप्स कितने बढ़ेंगे, कितने इंक्रीज होंगे, तो पॉइंट में तो शिप इंक्रीज शिप हम नहीं दिखा सकते, तो हमें यहाँ पे कुछ एक्चुअल वैल्यू दिखानी होगी। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे दिखाते, पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से नंबर बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बढ़ाते हैं, 1+ करते हैं। ओके तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 252, ये आंसर आएगा और ये आंसर होगा आपका अप्रॉक्सीमेटली, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब आसपास, मतलब एक्चुअल नहीं पता है, आसपास इतने हो सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर लिखना है, द शेफर्ड विल हैव 252 शीप्स अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 3 ईयर्स। ये अप्रॉक्सीमेटली क्यों लिखते हैं, इसकी साइन जो है ये इस तरीके से होती है, यानी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही पॉइंट में, तो पॉइंट में शिप नहीं बता सकते। ओके तो यहाँ पे 9 अगर है, 5 या 5 से ज़्यादा नंबर है तो यहाँ पे हम 1+ करते। ओके यहाँ पे 4 ही होता, 9 नहीं होता, तो फिर ये इतना ही वैल्यू रहती। ओके कैसे है, डिवाइड में अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो पहले वाले नंबर में 1 ऐड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक नंबर कितना आया, 252। ओके सो इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे रफ वर्क बहुत है। ओके तो ये आपको करना ही पड़ेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर्स, इन द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर एट द रेट 5% पर ईयर। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 40,000 है। ओके एक फॉरेस्ट है उसमें ट्रीज कितने हैं, 40,000 है। आपको क्या फाइंड करना है, 3 साल के बाद। ओके तो आपको एक्सपेक्टेड क्या है, 3 साल के बाद कितने ट्रीज यहाँ पे इंक्रीज होंगे। ओके तो यहाँ पे रेट कितना दिया है, 5% और 3 साल के बाद, तो ये एन है। ओके तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, हियर हमें क्या क्या दिया है, पी दिया है कितना, 40,000। ओके फिर आर है, आर कितना है, 5% है, और n है, n इज इक्वल टू 3 ईयर्स। ओके सो इसे हम फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू p 1+ r अपॉन 100 द होल स्क्वायर n। ओके सो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या कहा है, नंबर ऑफ ट्रीज, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेयर
ए इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ट्री आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, फिर हम कीमत डालते हैं, ए इज इक्वल टू पी कितना है, 40,000 प्लस वन प्लस आर, आर कितना है 5 और अपॉन 100। ओके, और यहाँ पे 3। अभी इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कट हो रहा है, 5 1 5, 5 2 10 और ये 0 20। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 40,000 और यहाँ पे 21 20 और 1 कितना होगा 21, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 21 20 और प्लस यहाँ पे 1 बचा है तो 21 और ये डिनोमिनेटर में 20 और ये 3। ओके, अभी यहाँ पे 21/20 थ्री टाइम है तो इसे हमें 3 टाइम लिखना पड़ेगा, 40,000 वैसे के वैसे मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। ओके, अभी यहाँ पे जो कुछ कट हो रहा है उसे कट करेंगे, यहाँ पे देखिए 21 20 22 40। ओके, और यहाँ पे 3 0 बच रहे, 1 2 3। ओके, फिर यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, कैसे कट करेंगे, 21 20 और 21 20, तो यहाँ पे बचेंगे 100। ओके, फिर यहाँ पे 20 है तो फिर 21 20 और 25 100। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, यहाँ पे 5, नीचे तो कुछ नहीं बचा है। ओके, तो ए इज इक्वल टू 5 21 21 21, इनका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो रफ वर्क करेंगे, देखिए यहाँ पे 21 21 करेंगे तो फिर 1 से करते हैं, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, तो आंसर कितना मिला यहाँ पे, 441। ओके, अभी ये जो आंसर मिला है ये फर्स्ट है, सेकेंड हम 441 को फिर से इन दोनों का किया, अभी फिर से हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखिए 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4। ओके, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, कितने बचे यहाँ पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 5 6, ये 12। ओके, और यहाँ पे 1 कैरी, तो यहाँ पे कितना आंसर आया, 9,263 61। ओके, ये जो नंबर आया इसे हमें फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये सेकेंड है। तो इसे हम फिर से 5 से करेंगे, नंबर लिखते हैं, 5 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अभी 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 5 6 ज़ा 30, सो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, 5 2 ज़ा 10 और 3 13, यहाँ पे 1 कैरी, 5 9 ज़ा 45 और 1 46। तो आंसर कितना मिला हमें, 46,300। तो हमें यहाँ पे आंसर कितना मिला, ए इज इक्वल टू 46,305। ओके, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयर फोर, सो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इज 46,305। ओके, सो यहाँ पे आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखिए देखते हैं क्या है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2,50,000। ओके, एक मशीन की कॉस्ट प्राइस क्या है? 2,50,000। इफ द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, तो डिप्रिशिएशन इसका मतलब क्या है? डिप्रिशिएशन मतलब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको बेचने के लिए जाते हैं, तो उसकी प्राइस, सपोज हमने एक बाइक खरीदी, हमारे पास एक बाइक है, हमने वो 2 साल यूज़ की और 2 साल के बाद हम उसे बेच रहे, तो हमने जो बाइक 2 साल पहले खरीदी थी वही कीमत हमें मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, उससे बहुत कम मिलेगी, है ना, क्योंकि हमने उसे 2 साल यूज़ किया। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ हम बाद में बेचते हैं तो कम होता है, उस चीज़ की वैल्यू कम होती है। डिप्रेशन मतलब कम होना। ओके, तो वैल्यू उसकी कम हो रही। इज 10% पर ईयर, फाइंड द डिप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। तो आफ्टर 2 साल की ईयर, 2 साल के बाद जो मशीन है उसकी डिप्रिसिएशन की प्राइस, डिप्रिसिएशन यानी कितनी प्राइस कम होगी। तो यहाँ पे रेट जो दिया है ना हमें 10%, वो क्या है? डिप्रिसिएशन दिया यानी माइनस में दिया है। ओके, इसका मतलब हमारा रेट इस तरीके से आएगा, यही इसमें सबसे बड़ा ये क्लॉज है। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर पी। पी क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस मशीन की है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ किसकी है? मशीन। ओके, तो फिर ये हमारा पी है, कितना है? 2,50,000। फिर आर, आर मैंने क्या कहा कि डिप्रेशन है, मतलब 10% तो है लेकिन -10% क्योंकि डिप्रेशन है। ओके, और एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ओके, ए हमें यहाँ पे ए लिखते हैं। ए क्या दिया है? डिप्रिशन, डिप्रिशिएट प्राइस यानी कम प्राइस होती है ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद मशीन की प्राइस क्या होती है? कम। अभी हम यहाँ पर रेट में सिर्फ थोड़ा सा अलग है, बाकी जो हमारा फॉर्मूला है वैसे के वैसे हमें लिखना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 और द होल स्क्वायर एन। ओके, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम कीमत डालते हैं, ए इज इक्वल टू पी कितना है? 2,50,000। ओके, 50,000। फिर यहाँ पे 1 + R क्या दिया है? -10। ओके, और upon 100, और ये जो n है, n कितना है? 2। ओके, अभी यहाँ पे जो कट हो रहा है वो कट करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 1 जा 10 एंड 10 1 जा 10, तो यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ पे 10 ही बचेंगे। ओके, 10 1 जा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और 10 1 जा तो यहाँ पे 1 और ये 0, तो 10 बचेंगे। या फिर आप ऐसे 0 0 कट कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा? -1 और यहाँ पे बचा 10। ओके, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं ए इज इक्वल टू 2,50,000, 1 2 3 4। ओके, फिर 10 1 जा 10 प्लस, यहाँ पे माइनस में है 1 बचा है, इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ, डायरेक्टली नहीं किया। और यहाँ पे अपॉन में हम क्या लिखते हैं? ये बचे हुए 10। ओके, द होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2,000, 2,50,000। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 10
या प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 10 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 9 और ये 10, ओके द होल स्क्वायर। भी यहाँ पे ये 9/10 टू टाइम है तो उसे टू टाइम लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 2,50,000 मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 9/10, ओके। अभी यहाँ पे क्या कट हो रहा है, ये 10 और ये 10, दो जीरो कट हुए तो यहाँ पे दो जीरो कट होंगे, ओके। और यहाँ पे बचेगा क्या, ए इज इक्वल टू 2,500 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ओके। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे पहले 9 9 का कर लेते हैं, कि ए इज इक्वल टू 2,500, 9 9 ज़ा 81, और यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क करेंगे, रेड पेन से दिखाती हूँ क्या है 2,500 और 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 100 0 1 5 ज़ा 5 और 1 2 ज़ा 2, ओके। यहाँ पे हम फिर से 8 से करेंगे, 800 800 0, 8 5 ज़ा 40, सो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, 8 2 ज़ा 16 और 4 कितने हुए 20, तो यहाँ पे आंसर में क्या होगा, 0 0 5 7, सेवन नहीं सॉरी 2 0 2, ओके। तो आंसर क्या आया, 2,25,000, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू रुपीज़ 2,25,000, यहाँ पे आंसर क्या मिला, 2,02,500, ओके। सो 2,02,500 ये आंसर मिला। ये जो आंसर आया ये क्या है हमारा, ये मशीन की प्राइस, लेकिन मशीन की प्राइस यहाँ पे पूछिए क्या, यहाँ पे क्या पूछा है, डिप्रिसिएशन, मतलब 2 साल के बाद ये कम हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, ओके। डिप्रिसिएशन मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो ओरिजिनल प्राइस थी, क्या ओरिजिनल प्राइस थी, उसमें से हमने ये 2,50,000, ये जो ओरिजिनल प्राइस थी इसमें से ये जो प्राइस आई है 2 साल के बाद, ओके 2 ईयर्स के बाद, तो ये हमें माइनस करना होगा, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम 2,50,000 इसमें से ये जो आंसर आया है ये हम माइनस करेंगे 2,02,500, ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, देखिए माइनस करते तो आंसर क्या आता है, 0 0, ओके। यहाँ पे हम कैरी लेंगे और यहाँ से बोरो लेंगे और यहाँ पे भी बोरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे बचेंगे 9, यहाँ पे हो जाएंगे 10, 10 में से 5 कट किया तो यहाँ पे बचेंगे 5, 9 में से 2 कट करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 7, 5 में से यहाँ पे 4 बचेंगे और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, तो आंसर कितना आया यहाँ पे 47,500। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, कॉस्ट, जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब पी, कॉस्ट प्राइस का मतलब पी होता है, कॉस्ट प्राइस पी माइनस, माइनस क्या लिखना है, डिप्रिसिएशन की जो प्राइस आई है वो, डिप्रिसिएशन प्राइस यानी ए, तो यहाँ पे हम लिखने वाले क्या है, पी माइनस ए, ओके। डिप्रेशन मतलब पी माइनस ए, तो पी क्या है, पी है 2,50,000 माइनस अमाउंट क्या आई थी, 2,02,500,
500। तो हमें आंसर क्या मिला, 47,500। ओके, सो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, द डिप्रिशिएशन इज प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स इज ₹47,500। ओके, फर्स्ट हमने क्या किया, डिप्रिशिएशन यानी माइनस किया। ओके, यहाँ पे रेट माइनस में लिखा, फिर इसे जैसे हम रेगुलर सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया, जो आंसर आया ओके अमाउंट वो प्रिंसिपल में से माइनस किया और फाइनल आंसर लिखा। ओके, यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर्स इज रुपीज 4036.80 एट द रेट ऑफ 16 PCPA। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट दिए ओके रेट दिया है और 2 ईयर्स यानी एन मिला है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो लिखते हैं हियर। यहाँ पे क्या क्या मिला है, यहाँ पे पी तो नहीं है तो पी निकालना है, क्वेश्चन मार्क दे दो। फिर यहाँ पे आर क्या है, 16 है, 16 PCPA, PCPA पर सेंट पर एनम। ओके, एन दिया है 2 ईयर्स और यहाँ पे अमाउंट दिए हैं कितनी है, अमाउंट है 4036.8। ओके, ये अमाउंट है। तो अभी यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वही लिखना है। ए इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 द होल स्क्वायर एन। ओके, यहाँ पे आपको अमाउंट मिला तो ए के जगह पे हम अमाउंट डालेंगे, तो देयर फॉर यहाँ पे 4036.80 इज इक्वल टू पी नहीं है तो पी ऐसे लिखते हैं 1 + R कितना है 16 है अपॉन 100 और यहाँ पे एन कितना है 2। ओके, अभी हमें इसे सॉल्व करना है, यहाँ पे जो कट हो रहा है वो हम कट करेंगे। यहाँ पे क्या कट हो रहा है, तो फिर 16 है तो 8 × 16 और देखिए 2 से कट करना पड़ेगा, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = तो यहाँ पे 50 होंगे। ओके, फिर यहाँ पे 2 × 4 = 8 एंड 2 × 25 = 50। ओके, तो यहाँ पे कितने बचे 4 और यहाँ पे बचे 25। देखिए यहाँ पे क्या बचा है ये पहले लिखते हैं, देयर फॉर 4036.80 इज इक्वल टू पी, यहाँ पे 1 बचा है प्लस ऊपर 4 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे 25 प्लस ये 4 करना होगा, तो यहाँ पे 4036.80 इज इक्वल टू पी 25 × 25 प्लस 4 कितने होंगे 29 और यहाँ पे 25 और इसका स्क्वायर। अभी क्या करना होगा, ये 29/25 का स्क्वायर है तो ये 2 टाइम लिखना होगा, यहाँ पे 4036.80 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 29/25 मल्टीप्लाई 29/25। ओके, अभी ये जो यहाँ पे ये किसी से कट नहीं होंगे तो हमें क्या करना होगा, इनका मल्टीप्लाई करना है पूरा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे 4036.80
पी हम बाहर निकालेंगे मल्टीप्लाई, ये जो 25 है पी यहाँ पे लेंगे तो ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई होगा 25 मल्टीप्लाई 25, और ये जो 29 दोनों ऊपर हैं ये नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे इज इक्वल टू पी। देखिए पहले तो 25 मल्टीप्लाई 25, तो मैं 25 मल्टीप्लाई 25 आपको ऐसे ही दिखाती हूँ, करके नहीं दिखाती हूँ, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी। 25 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 625। ओके अभी इसे हम, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अभी ये जो नंबर है ओके क्या है, 4036.80, इसे हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 5 से करेंगे, 5005 40, सो यहाँ पे 0, 4 कैरी, 5 6 30 और 4 34, सो यहाँ पे 4 और 3 कैरी होगा, फिर यहाँ पे 5 3 15 16 17 18, सो यहाँ पे 8 1 कैरी, 5 0 0 तो यहाँ पे 1 और 5 5 4 20। ओके फिर हम 2 से करेंगे, 2 0 0 2 8 16, यहाँ पे 1 कैरी, 2 6 12 12 और 1 13, सो यहाँ पे 3 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, फिर यहाँ पे 2 0 0 तो यहाँ पे 0 होगा और 2 4 8। ओके फिर यहाँ पे 2 छोड़ने होंगे, 6 0 0 6 8 6 8 48, तो यहाँ पे 8 4 कैरी होंगे। ओके 4 कैरी यहाँ पे 6 8 के, ओके तो यहाँ पे 4 कैरी होंगे और फिर 6 6 36 और 4 40, तो यहाँ पे 0 और 4 यहाँ पे कैरी होंगे, फिर 6 3 18 और 4 यहाँ पे होंगे 22, सो यहाँ पे 2 और 2 कैरी, 6 0 0 और ये 2 6 4 24। ओके सो यहाँ पे 24, इसका प्लस करेंगे सबका तो यहाँ पे होगा 0 0, ये 10 होगा, तो यहाँ पे 1 कैरी, ओके 16 17 18 19 20, सो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2 कैरी, 8 9 10, सो यहाँ पे 0 1 कैरी, यहाँ पे बचेंगे 3, फिर यहाँ पे 8 9 10 11 12, सो यहाँ पे 2 1 कैरी, ये 5 और 2। ओके सो यहाँ पे ये जो है ये आंसर मिला, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के डेसिमल दे दो। ओके तो ये हमारा आंसर आया किसका, इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे हम इन सब का मल्टीप्लाई लिखते हैं, 25 23 0 0 0.00। ओके और यहाँ पे हमें अभी डिवाइड करना है 29 मल्टीप्लाई 29 से। देखिए यहाँ पे हम 29 से इसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 29 8 टेबल लिखो पहले आप, यहाँ पे 232 होगा, यहाँ पे बचेंगे कितने, 2 में से यहाँ पे 0, यहाँ पे 20 बचेंगे, ऊपर से लिया 3, 29 7 203,
ओके, तो यहाँ पे 0 0, अभी यहाँ पे हम ये 0 जो बच रहे ये तो बचेंगे, इसे हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये 3 0 दे दीजिए। अभी यहाँ पे हमें इसे हम 29 से जब कट करते हैं तो हमें क्या मिला, 29 1 और ये हमने कट किया तो हमें क्या मिला, ये आंसर लिखिए ऊपर। ओके, अभी ये जो आंसर आया है इसे 29 से कट करते हैं, यहाँ पे 87 0 0, देखिए 29 3 होते हैं 87, तो यहाँ पे ये तो 0 बचेंगे ही, तो आंसर कितना मिला यहाँ पे, देखिए 29 से हमने डिवाइड किया, पॉइंट के बाद की जो 0 है ना इसका कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसे डिवाइड किया 29 से तो हमें आंसर क्या मिला, 3000। ओके, तो यहाँ पे ये जो आंसर आया ये हमारा क्या है, पी। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, ₹3000। ओके, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू पी था ना, तो ये इज इक्वल टू पी, तो हमारा प्रिंसिपल हुआ 3000। और क्या पूछा है, और पूछा है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ओके, इससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, यहाँ पे ए लिखें तो फिर यहाँ पे ए कितना है, ये है 4036.80 इज इक्वल टू पी जो है, पी आया 3000 प्लस आई हमें निकालना है, तो फिर यहाँ पे 3000 इस साइड में लेंगे तो ये क्या होगा, माइनस होगा 3000 इज इक्वल टू आई। ओके, इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 36 और 0.80। ओके, ये 0.80 तो वैसे के वैसे रहेंगे, यहाँ पे 6 में से 0 गया 6, 3 में से 0 गया 3, 0 में से 0 3, 0 में से 0 0, और यहाँ पे 3 में से 4 में से 1 कट गया, सॉरी 4 में से 3 कट गए, कितना बचे 1, तो ये आंसर आता है। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, आई। ओके, और यहाँ पे हमें फाइनल आंसर लिखना होगा, क्या हमें क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला हमें आफ्टर 2 ईयर्स, ये 1036.80, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स इज 1036.80। ओके, सो यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पे हम रुकते हैं, हमें इस लेसन में 5th क्वेश्चन देखे हैं, जो बाकी 5th क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।